तो हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी एक और आज फिर से तड़कते भड़कते मॉडल सिमुलेटर के गेम प्ले में। तो हम लोग आज वापस आ चुके हैं अपने मॉडल सिमुलेटर में और हमने रूम 5 तक रेडी कर लिया था, 6 अभी जस्ट खरीदा है, अब 6 को और रेडी करेंगे। और सब लोग ये बताना ये लाल कलर ठीक लग रहा है कि बेकार, मुझे तो बुरा लग रहा है, मैंने बस कर दिया है, दोबारा इसमें सफ़ेदी करेंगे, वाइट परफेक्ट है, नहीं तो कोई और देखते हैं सोचेंगे। बाकी अपना मोटल ऑलमोस्ट 3 स्टार होने वाला है और शॉप आप शॉप को आपको दिखाऊँ तो देखिए शॉप हमारी ऑलरेडी 3 स्टार, हाँ 4 स्टार होने वाली है। तो हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा फास्ट अप किया है अपना गेम, काफ़ी चीज़ें मैंने काट दी आपको, रूम 4-5 नहीं दिखाया बनते हुए, पहले थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत है। अभी मैं स्टाफ को ज़्यादा काम पे नहीं रख रहा हूँ, उसका सिंपल सा रीज़न है ये पैसे बहुत लेता है, आपको ही पता है। और अपने पास अभी $2800 हो चुके हैं, तो हम लोग रूम 6 एकदम प्रीमियम बनाएंगे, तो आज फिर बस स्टैंड वगैरह खोलेंगे। और पिछले एपिसोड में हमने फ़ोन बूथ लगाया था और एड लगाया था, उसकी अर्निंग्स भी आपको दे रहे हैं कितनी हुई, देखें फ़ोन बूथ से कितना पैसा आया है, $44 हम लोग को मिले हैं, कितना बुरा भी नहीं है, कुछ उसमें करना तो है। और बस इस बस वाला लगाने से सुना है पब्लिक ज़्यादा आती है, तो वो भी लगाएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले थोड़ी शॉप बड़ी कर लें क्योंकि फिर सबसे ज़्यादा पब्लिक शॉप में ही आती है। और रूम 8 तक बना लें तब तक थोड़ा फिर ठीक रहेगा। हम लोग इसको फिर से सफ़ेद ही कर देते हैं, ये अभी बिल्कुल बुरा लग रहा है रेड कलर तो, इस पर रूम 6 के लिए हम लोग को सामान ऑर्डर करना है, बाकी ये सब पड़ा है ये देखते हैं क्या यूज़ हो सकता है। कस्टमर एड फ्यूल, बाकी अब जल्दी जल्दी हम लोग अपना गेम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। तो अगला गेम कौन सा खेलना चाहिए आप ये भी बताइए, सुना है फार्मिंग सिम्युलेटर एक अच्छा गेम है, लोग वो खेल रहे हैं काफ़ी, तो क्या वो शुरू करना चाहिए कि एक और मैंने देखा है कार फॉर सेल सिम्युलेटर कि वो शुरू करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपके हिसाब से कमेंट में बताइए। इन अ हार्ट बीट, शायद ये चेकआउट करने आए हैं, हाँ थैंक यू। रूम 4 शायद मैंने आपको दिखा दिया है, बट ये है अपना रूम 4, सबसे एक्सपेंसिव अभी तक का यही है, 5 से भी ज़्यादा, 5 उतना हम लोग ने हाई प्राइस नहीं किया है। डबल बेड था ये, बेडशीट, ब्लैंकेट खत्म हो गया। अब ये रूम 6 का सामान ऑर्डर करेंगे तब 4-5 ब्लैंकेट एक्स्ट्रा मांगेंगे, और कुछ टॉवल भी अपने पास सस्ती गाड़ी पड़ी है, और टॉयलेट पेपर भी ख़त्म होने आ गए, अब सामान बहुत जल्दी ऑर्डर करना पड़ेगा। अब पिलो ठीक से लगा देते हैं, शॉप पर कस्टमर यार 50 सेकंड बचाए थे, जल्दी इसको साफ, अब जल्दी से शॉप पे जाना पड़ेगा, इसका पेशेंस 20 बचा है बस। अरे भाई साहब लाइन लगी है यहाँ तो, दैट्स क्विक। शॉप की रेटिंग की अपनी आज 5 हो पाएगी, पास तो नहीं पर 4+ हो जाएगी मेरे हिसाब से, अभी 4 कंप्लीट नहीं हुई, पास थोड़ा हार्ड है, हाँ 4 कंप्लीट तो हो ही गई है ऑलमोस्ट, 4+ हो जाएगी, पर ये नेक्स्ट एपिसोड आते आते अपनी 5 हो जाएगी, क्योंकि मैं अगर शॉप और ये खुद नहीं चलाता हूँ तो मैं स्टाफ रख देता हूँ, मैं कस्टमर यहाँ के लौटने नहीं देता हूँ, भले ही थोड़ा लॉस हो लेकिन रेटिंग अपनी फुल हो जाएगी, क्योंकि उससे फिर इन फ्यूचर ज़्यादा कस्टमर आएंगे। अभी जब बस वगैरह अपने लगा देंगे, अभी बस वाला लगाना बाकी है, फ़ोन बूथ भी एक ही लगाया है, उसको भी एक्सटेंड करेंगे थोड़ा। थैंक यू, ऑसम। हम लोग जब अपना सामान ऑर्डर करते हैं थोड़ा, रूम नंबर 4 रेडी कर लिया है, तो मोटेल भी ऑन ही कर देते हैं और अब सामान ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ अभी इन लोग का 2-2 मिनट है, तो सामान हम लोग सबसे पहले मंगाएंगे बेड अपना, ये बेड थोड़ा पता नहीं अजीब ये, लेकिन बेकार ही लगता है, तो बेड तो फिर इसके सिवा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, बोनस भी चाहिए तो यही मंगाएंगे। बेडशीट हम लोग एक्स्ट्रा इस बार, बेडशीट सफ़ेद, 2 ब्लैक बेडशीट मंगा ले रहे हैं इस बार और 2 वाइट, ठीक है
ब्लैंकेट सबसे ज़्यादा बोनस इधर ही है, ठीक है, ब्लैंकेट भी हो गए, पिल्लो सबसे ज़्यादा बोनस इसमें है, टोर पहले इन लोग को चला दें, नहीं तो फिर गलती से लौट गए लोग तो फिर पैसा मतलब वो रेटिंग अपनी जाएगी। कुछ हम लोग पे पुल्स आई है तेल भरवाने। वैसे सच में देखा जाए तो सॉब काफ़ी इजी है गैस स्टेशन से, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ये लोग लंबी लंबी चीज़ें मतलब लंबी लंबी ज़्यादा बड़ा ऑर्डर रहता है तो भरने में टाइम जाता है, देख के भरना भी पड़ता है, उधर कुछ करना नहीं है। हालांकि एक्यूरेसी तो तगड़ी है, सब जगह कस्टमर है भी, वहाँ पे भी आ गया ऑफिस पे। अब तेल वाले को बाद में देखेंगे, पहले इधर और ऑफिस में देख लें, नहीं तो ये लास्ट है, छोड़ो उसको भर के आटे, ऑफिस वाले भी बात नहीं है। 9.8 Have a nice day. चुप कर भाई, नाइस डे। होल्ड ऑन, पहले हम अपना मोटेल बंद कर देते हैं कि और कस्टमर ना आए। रूम नंबर 4, टेक दिस रूम। हाँ, $500 सबसे महंगा रूम, ये रूम में पैसा तो तगड़ा है, $3600 हो गए भाई अपने, दैट इज़ गुड। चलो पहले हम लोग थोड़ा सामान ऑर्डर कर लें, उसके बाद कस्टमर देखते हैं, अभी 3 मिनट है। ठीक है, हम लोग कहाँ तक आए थे, ब्लैंकेट तक हो गया था ना, पिलो भी हो गया था, डोर बाकी था, डोर अपन लगवाएंगे, लाल तो बेकार है, काला बहुत यूज़ कर लिया है तो अब ये काफ़ी सही है, इसको मंगवा लेते हैं। और इधर देखा जाए तो सीलिंग लैम्प भी, इससे बेस्ट कोई है नहीं ना यार, इस बार सब मैक्स चीज़ें डालेंगे। बाथटब ये मस्त है, सिंक हम लोग को ये काफ़ी महंगी है भाई सिंक, चलो इस बार ये क्रेजी रूम बना रहे हैं तो फुल पैसा और लुटाएंगे अपन। और टॉवल भी बेस्ट बोनस इसमें है, टॉवल 4 कर ले रहे, काम आएगी। टॉयलेट 5 बोनस है, चलो यही वाली करते हैं। टॉयलेट पेपर, हाँ टॉयलेट पेपर ख़त्म हो रहा था, टॉयलेट पेपर 5 ले लेते हैं फिर एक साथ भर देंगे, पर भाई ज़्यादा पैसे भरवा तो नहीं है। हीटर ये वाला अब जब तक जाते हैं अपने बंदों को, कस्टमर को चला के आते हैं, 1 मिनट ही बचे हैं सबको। अब 20 लीटर इसको देने में टाइम जाएगा। शॉप वैसे ज़्यादा अच्छी थी, नहीं है शॉप में पैसा उतना मोटा नहीं है ना, अभी तो नहीं है, इन फ्यूचर अब जब भीड़ लगेगी तब बात लगे। अपने भी ऑलमोस्ट $4000 होने वाले हैं यार, फ़ोन बूथ 100 बढ़वा ले रहे हैं हम, सोच रहे हैं बस स्टैंड भी लगवा लें क्या इसी एपिसोड में, चलो एक लेवल बस स्टैंड लगवा ले रहे हैं, क्या बोलती बाबू, क्योंकि उससे कस्टमर ज़्यादा आएंगे ऐसा सुना है। चलो ठीक है, हम लोग बस पहले सामान ऑर्डर करते हैं फिर जितना पैसा बचेगा उससे चीज़ें अपग्रेड करेंगे, ठीक है। चार स्टार हो चुका है अपना शॉप पूरी तरीके से, जो कि काफ़ी सही बात है। रुक जाओ, अब क्या चाहिए अपने को, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, टेबल डोर हो गई थी, बाथटब हो गया, सिंक हो गई, हाँ टॉवल हो गई, टॉयलेट डन, टॉयलेट पेपर डन, हीटर डन, कर्टेन सबसे अच्छी तो यही लगती है, यही दो बना लेंगे, ठीक है। सीट नहीं सोफ़ा हम लोग पिछली बार भी जो लिया था, इस बार ये वाला लेंगे, पर दोनों ही बर्बाद हैं यार बोनस, ये काफ़ी सही है यार, चलो कम बोनस सही लेकिन डालो अच्छी चीज़, लेकिन इसमें हम सबसे तगड़ा बोनस चाह रहे, छोड़ो यार बोनस के पीछे जाएंगे तो हम लोग ब्लू वाला लेंगे ज़्यादा, हाँ ब्लू हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये वाला लेंगे इसमें। रूम लैम्प ये क्रेजी वाली बेस्ट है, टेबल रुक जाओ, वाले कस्टमर देंगे, अच्छा अभी टाइम छोड़ो, हाँ चलो अब बंद किया ही है तो देख ही लें, टेबल तक पहुँच गए ना अपन, 14.9। हम लोग अपना एयर रेवेन्यू का भी पैसा देंगे, कितना बना, 1 दिन हो गया होगा मेरे हिसाब से, पर डे बनता है ना वो, हाँ $206।
ये भी सही है यार, बैठे बैठा एक अच्छा खासा पैसा, ऑलमोस्ट 4,000 डॉलर हो चुके हैं अपने पास, $1 का मैं जो कि अभी आ ही जाएगा। रूम लैम्प ठीक है हो गई, टेबल टेबल एक नॉर्मल टेबल है ये, और फिर ड्रेसिंग टेबल है, फिर टीवी टेबल है। तो मेरे हिसाब से हम लोग को टीवी हम लोग इसमें देंगे ऑब्वियस है, तो टीवी टेबल कौन सी लेनी चाहिए? बोनस तो इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा है मेरे हिसाब से, ये सही है, ये भी ठीक है, बट छोड़ो। ड्रेसिंग टेबल देखें तो ड्रेसिंग टेबल इसमें भी बोनस अच्छा ही देंगे हम लोग इस बार, सब लगाएंगे साला। तो नॉर्मल टेबल की बात की जाए तो नॉर्मल टेबल इसमें 7 का बोनस ये सही होंगे। अबे यार पैसा बहुत ज़्यादा उड़ा रहे हैं अपन। डेस्क, डेस्क तो सबसे महंगी ये है पर बहुत ज़्यादा ही बड़ी है ये। अब ये प्रीमियम रूम बना ही रहे हैं तो फिर हम लोग अपना बेच देंगे इसमें भी डेस्क लेस को, कि ये ब्लैक वाली ले लें थोड़ा साइज़ कम गिरेगी, क्या बोलते हैं यही ले लें क्या, छोड़ो यही ले लें। क्लोजेट, क्लोजेट सबसे महंगा ये है पर ये काफ़ी अजीब सा है, तो हम लोग जाएंगे इसके साथ। ड्रॉवर, ड्रॉवर तो भाई कुछ खास है नहीं, ये सही है। कस्टमर आ गए, पहले कस्टमर चाहिए क्या? हम लोग बहुत महंगा कर रहे हैं क्या ये रूम? $2,000 तो ऑलमोस्ट हो गए भाई, शॉप का सामान बनाना है यार, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही महंगा हो रहा है रूम। शॉप का तो भाई भीड़ लगी है। ग्रेट ग्रेट, शॉप पे अच्छा पेशेंस भी कम होता है, लेकिन $4,000 हो चुके हैं अपने। थैंक यू। फोन बूथ से लेकिन उतनी कमाई अभी तो नहीं हुई है, एक बार फिर से चेक करें कुछ आया। थैंक यू। 56 नहीं सही है यार, 56-50 डॉलर आ ही रहे हैं अभी के लिए सही है, और रूम होंगे तब और लोग रहेंगे तो और बात होगी। हाँ सो अब एक ये छठवा प्रीमियम रूम बनाएंगे, फिर 7-8 वगैरह थोड़े लो कर देंगे, नहीं तो हम सोचे 6वां नॉर्मल रहने से 7वां तगड़ा बनाएंगे, था वो आपका का रीज़न। अरे 7 नंबर सही रहता है, अच्छा रूम, क्या बोलते हैं 7 तगड़ा बनाया जाए। हाँ वेट, 20 हम वो 6 हम सोचे नॉर्मल ही रखें, मेड मतलब इतना ही नॉर्मल नहीं कि एकदम पैसे ही ना बने, मेड मतलब नीड ही चीज देंगे। चलो ये ठीक ठीक है, फिर यही डन करते हैं, 7वां हम लोग तगड़ा बनाएंगे अभी के लिए ये वाला। अबे भाई थोड़ा नॉर्मल ही रखते, कितने कस्टमर आ रहे भाई पूरी तरह। कस्टमर एट ऑफिस, एक और कमरा खाली हो गया अपना, पर हम लोग साथ में सारे कमरे साफ करेंगे लाएंगे। अबे लो रिजर्व अभी तो $300 का डल। अबे भाई पेट्रोल इतनी जल्दी खपत हो गई, फिट यार रुको रुको रुको, पहले पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। गो चेकआउट, रूम नंबर 5 चेकआउट हो गया है। अबे यार ताकत फिर ख़त्म हो गई, फिर से फ्यूल है, रुक जाओ। अब पहले अपन ऑर्डर करेंगे सामान, फिर देखते हैं सब। तो हम लोग ने अभी डिसाइड किया है कि अपन ये रूम थोड़ा कम ही बनाएंगे, तो अपन डेस्क माइनस कर देंगे पहले, क्लोजेट नहीं क्लोजेट माइनस करेंगे, टेबल टीवी टेबल रहने देंगे, ड्रेसिंग टेबल रहने देंगे, ये नॉर्मल टेबल सेंस नहीं आ रही बहुत महंगी भी है, ये दोनों रहने देंगे, कर्टेन रहने देंगे, हाँ बाकी यहाँ तक का तो सब मस्ट है। ठीक है ठीक है, टेबल सिर्फ एक लेंगे, डेस्क नहीं लेंगे अभी के लिए, क्लोजेट 70 में सही है वैसे ये, लेकिन अब उतना प्रीमियम नहीं बना रहे तो फिर रहने दो। ड्रॉवर भी अपन हटाएंगे क्योंकि फालतू है, बल्कि इसमें एसी दे सकते हैं क्योंकि एसी अभी तक अपने नहीं दिया है हम लोग ने, और एसी बहुत महंगी है भाई, ये दे देना 99 वाला, ये सही है भाई 99 वाला, यानी इसका यूनिट भी मंगाना पड़ता है, और ये मशीन मशीन कुछ कॉफ़ी मशीन नहीं नहीं और हाँ एक टीवी अपने को चाहिए, हम लोग कर वाली देंगे क्योंकि ये ज़्यादा सही है, और अपने को पंखा एक दे दें, पंखा एक दे देते हैं। ठीक है, कारपेट कोई कस्टमर है? चल बोले कस्टमर देख लें भाई, अबे यार गंदगी यार,
That is what I was looking for. उसका पेशन बहुत कम है भाई. क्या करना चाहिए हम लोग को? स्टाफ रखना चाहिए पेट्रोल के लिए क्या? Son. बताओ ये हिट टेबल. You are lightning fast. You are lightning fast. चलो इसने टिप अच्छी दी $60 की. Amazing. Amazing, amazing, you are such amazing, 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 I am fucking amazing, 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 we are such amazing, we are such amazing, 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 Mumbai Lindo, amazing, amazing. 4 point, चलो अच्छा चल रहा है अपना. 4.5 हो चुके हैं, इस हिसाब से बेचते रहे तो 5 होने में टाइम जाएगा. हम लोग रूम से थोड़ा छोटा बना रहे हैं अभी, मतलब नॉट दैट एक्सपेंसिव बट स्टिल जो 5 है उनसे तो ज़्यादा ही रहेगा. ठीक है, क्योंकि 7वां थावा फॉर अ रीज़न, उसको सबसे सुपर रूम बनाएंगे. 7वां फिर 10वां. ठीक है, कहाँ? अच्छा डिलीवरी में हम लोग कहाँ तक आ गए थे? क्लोजेट हो गया, ये नहीं चाहिए, ड्रॉर नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, लेकिन फ़ैन और एसी दोनों लेने की क्या ज़रूरत? पॉइंट तो है. फ़ैन ड्रॉप करते हैं अपन. कारपेट कोई सेंस बना रहा है? वैसे कारपेट में बोनस तो अच्छा है, सेंस तो है. चलो ठीक है, कारपेट ठीक है. होल्डर ये ले सकते हैं, टॉयलेट पेपर होल्डर, टॉवल रैक ये सब नहीं चाहिए, बुक नहीं, टॉयलेटरी एक पड़ी है. चलो एक ये हेल्डन होल्डर ले ही लें क्या? एसेसरीज में अपनी एक घड़ी जाएगी बेस्ट, एक शीशा जाएगा बेस्ट, डिस्प्ले में ये तो अच्छा, अपने उसके लिए सॉफ्टी. डेकोरेशन कुछ नहीं. बिल्ड पीसेस कस्टमर हैं क्या? अभी टाइम है ना, बिल्ड पीस पहले ले लें. बिल्ड पीस में देखो बॉल के लिए, बॉल पे तो अपन पेंट ही करने वाले हैं हर बार की तरह, बॉल अच्छी नहीं लगती ये सब. चाहे वाला कस्टमर चला दो, इसमें सोचना ज़्यादा पड़ेगा कि क्या करना है असल में. कौन इतनी दूर गंदगी फेंक के जाता है भाई? अबे यार इतनी सी गाड़ी लेके आए हो तेल भरवाने, हालांकि क्यूट लग रही भाई गाड़ी तो सच में भी. अच्छा हम गाड़ी चला भी सकते हैं ना, इसमें हमने सुना है. अबे भाई लेट्स गो, दिस इज गुड. अबे यार कस्टमर देखें. Awesome. That was quick. अबे वाह, इतना सामान ले रहे हैं शॉप पर, तब तक फिर थैंक्स. अच्छी बात भी है थोड़ी. वैसे शॉप का सामान ख़त्म हो रहा है, वो भी मंगाना है. पहले ये रूम 6 का ऑर्डर करेंगे सामान, फिर शॉप का ऑर्डर करेंगे. गजब एक्यूरेसी देख रहे हो भाई, दिस इज व्हाट एक्यूरेसी लुक लाइक. ये नल्ले इतनी में काम करेगा हैं? बाहर खड़ा है साले, बहुत पैसे लेते हैं भाई, ये फायदा नहीं है रखने का. अभी नहीं है लेकिन आगे काम आएंगे भाई. का ही एक्यूरेसी कर रहे हैं यार हम, अब बहुत एक्सपीरियंस हो गया अपने को. चलो लास्ट कस्टमर, हम लोग जाएंगे अपना सामान फाइनली ऑर्डर करने. तो क्या है अब बच रहा है? डिलीवरी, बिल्ड पीस, बॉल के लिए कोई भी ठीक नहीं लग रहा है, सच बात तो ये है अभी तक. अबे यार बॉल ये बना है क्या? थोड़ा ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, सब भाई सेंसलेस है. ये एक ले सकते हैं लेकिन ये पड़ा है बाथरूम के लिए, ये भी सब बाथरूम में ही अच्छा लगेगा. छोड़ो बॉल हम लोग नहीं लेंगे. फ्लोर में पिछली बार ये लगाया था, पर ये भी सही है शायद, यही है ना सही? हाँ फ्लोर में ये है, नहीं तो फ्लोर हम लोग ये लगाएंगे. ये तो बाथरूम के लिए है ही ठीक, वो वाला जो पहले लगाया था काफ़ी सही था, यही था शायद. एक फ्लोर ये ट्राई करना चाहूँगा मैं, और ये तो अपना पुराना वाला है ही. ठीक है, अब बाथरूम के लिए मेरे पास पड़े हैं काफ़ी सारे. अभी टाइम है कस्टमर का. और सीलिंग के लिए, अरे यार हाँ सीलिंग के लिए क्या चीज़ ठीक है? सीलिंग भाई, सीलिंग के लिए तो यही अच्छा है, ये भी ठीक है, इधर लेके देखते हैं.
ठीक है, बाकी और क्या बचा है, सीलिंग में पेंट, पेंट हर बार के लिए 2-3 डिब्बा वाइट लेंगे, वैसे पड़ा है काफ़ी इसीलिए 2 ही लेंगे। और कोई कॉम्बो बनाना है? देखो हम लोग ने एक ये कॉम्बो ट्राई कर लिया है, एक रेड ट्राई कर लिया और एक ब्लू ट्राई कर लिया, क्या प्योर वाइट रूम के साथ जाना चाहिए कि कुछ और कॉम्बो करना चाहिए? येलो अभी तक नहीं किया है हम लोग ने, येलो अच्छा लग सकता है। हाँ भाई येलो अच्छा लग सकता है और पर्पल थोड़ा डार्क कलर है भाई, चल देखते हैं येलो के साथ जाए। ठीक है 3 येलो और वॉट इफ एक तो पिंक भी ले ही लें, देखते हैं क्या होगा। ठीक है तो हम लोग का हो चुका है पूरा रेडी, अब देखें ये ट्रक में भी आएगा कि नहीं, कहाँ से आ जाए भी। अबे यार अब क्या माइनस करें, रुक जाओ पहले कस्टमर चला के, इससे बाद में आके मिलेंगे भाई 100 पे 50 सेकंड रह गए। अबे यार सबसे फालतू चीज़ लाइट गई। गुड जॉब। अबे यार इसका पेशेंस, अबे यार इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ओ भाई गया पहला कस्टमर अपना गया। अबे यार लाइट थी, हम बकचोद की तरह जनरेटर से चला रहे थे सारा चीज। हेट मत कर भाई, लाइट दे रहे ना पेट्रोल। ले 1 पॉइंट ज़्यादा दिया। अबे यार कस्टमर काफ़ी आ गए शॉप पर। गुड जॉब। $4,500 होने वाले अपने, अगर फोन बूथ और एयर लूटेंगे तो हो जाएंगे। चलो अच्छा पैसा हो गया है तो अब हम लोग अपग्रेड भी करेंगे चीजें तगड़ी। पूरी शॉप खाली है भाई, शॉप का आइटम मंगाना पड़ेगा। 5-star शॉप खाली रहती अच्छी लगेगी। अब जल्दी जल्दी सामान मंगाना पड़ेगा भाई। 15.5। अबे यार अब शॉप यार ये दोनों बंद करेंगे, पहले काम करते हैं थोड़ा। That's quick. मंगाएंगे, कहाँ गया डेकोरेशन सब हो गई है। अब हाँ क्या चीज़ हटाएंगे अपना, बेड शीट। अगर हम लोग इन बेड शीट की नीड है भाई, ब्लैंकेट की नीड है, बाथ टब की नीड है, टॉवल, चलो मान लो एक टॉवल कम करती। ठीक है टॉयलेट पेपर मान लो एक तो कम कर दिया, नहीं भाई ये सब जगह ही उतनी नहीं घेर रहे। सोफ़ा टीवी टेबल ड्रेसिंग हटा दो, चलो फिर भी भाई क्या कम किया जाए फिर। मिरर देखो हम लोग ने कहाँ तक मंगवाया है, एसेसरीज अपन अभी कम करते रहेंगे, दोबारा अभी मंगवाएंगे। और कारपेट इलेक्ट्रिसिटी पूरी कम कर दे रहे, देखें तब आता है इलेक्ट्रिसिटी का सब हटा देते हैं। तो भाई एसी हटाओ, ये भी हटाओ, और मिरर क्लॉक तो छोटी ही है यार, टीवी हटाओ। अबे यार कितना जगह ले देंगे भाई, टीवी टेबल हटाओ भाई साहब। और क्या हटाएं भाई, बेड भाई और क्या हटाएं भाई, क्लॉक हटाओ, मिरर रहने दो। ठीक है क्या मिरर भी हटाओ, शैम्पू भी हटाओ, टॉयलेटरी भी हटाओ। अब हम लोग ने हटा दिया है एसेसरी तभी पूरी हटा दी है, टॉयलेटरी हटा दी है, बुक तो है ही नहीं। होल्डर भी हटाएंगे, कारपेट भी हटाएंगे, ताकि यार इलेक्ट्रिसिटी के नीचे का सब हटा दिया हम लोग ने। यहाँ से कोई एक चीज़ हटाई थी टेबल या डेस्क में, वो मंगा लेते हैं दोबारा। हाँ ये था ना, ठीक है डेस्क है अपनी, डेस्क नहीं चाहिए, क्लोजर नहीं चाहिए, ड्रॉवर नहीं चाहिए, टेबल ही मंगा लें अगर आप आए तो। हाँ टेबल मंगा ले रहे, ठीक है लेट्स गो, परफेक्ट। ठीक है तो हम लोग ऑर्डर कर देंगे इसको, टाइम मीडियम, ठीक है ऑर्डर लेट्स गो। $1,900 गए भाई, जब तक वैसे कमरा बना ही ले रहे यार, ज़्यादा सही है। एक अच्छा बड़ी वॉशिंग मशीन मंगा लें हम लोग तो, क्योंकि इसमें तो बहुत धीमे दुखता है सामान यार सच में भाई।
धीमे क्या धुलता है, तीन कपड़े एक बार में बहुत कम है देखा जाए तो। देखें बड़ी वॉशिंग मशीन का दाम क्या है, हालांकि जब तक वो ऑर्डर नहीं आ पाता हम लोग को, वैसे नींद की जरूरत है, हम लोग अभी सोएंगे छोड़ो, लेकिन एक बार बस दाम देख लें। मिस में है क्या? हाँ हाँ हाँ, कितने की है? 300 की बड़ी वॉशिंग मशीन मंगा लें क्या? ब्लैक वाली अच्छी लग रही, लेट्स गो इसको मंगा लेते हैं, आएगी अभी ये। हाँ भाई आ गई, लेट्स गो। चलो अब तक वॉशिंग मशीन और वो आती है, हम लोग थोड़ा सा सूत जाते हैं। तो एक और अपना ऑर्डर है वो भी लगाई थे हम लोग, रुक जाओ, हम लोग का बच रहा था सामान यहाँ के नीचे का, इलेक्ट्रिसिटी तक का। हाँ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक हम लोग छोड़ के आए थे, एयर कंडीशनर, और एक ये अपनी टीवी छोड़ के आए थे, कारपेट छोड़ा था हम लोग ने, ये होल्डर छोड़ा था, ये बुक नहीं टॉयलेटरी में ये था, शैम्पू और एसेसरीज में थी अपनी घड़ी और अपना मिरर, ठीक है। तो शॉप का सामान भी मंगा ही लें क्या इसी में? चलो ठीक है, शॉप का भी मंगा लेते हैं। शॉप में अभी जो 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 क्या क्या बिक रहा है, स्टॉक में नहीं है भाई ये सब। तो ये एक ले लो, ये ग्रीन का साइन का मतलब क्या है? ज़्यादा बिक रहे हैं, ठीक है चलो इतना ही काफ़ी है। सॉफ्ट ड्रिंक स्टॉक में नहीं है भाई ये सब, सोडा वोडा। हम लोग $1500 तक अपना शॉप का ही सामान मंगा लेते हैं, ठीक है। पेस्ट्री इसके लिए, लेकिन हम लोग को कुछ चाहिए होगा ना, हाँ ये मंगाना पड़ेगा फिर, बेकरी काउंटर। चलो ठीक है, हम लोग पेस्ट्री भी रखना आज से शुरू करेंगे, कहाँगे पेस्ट। हाँ चलो इसमें जो जो अभी ग्रीन है जिस पर वो मंगा लेते हैं अपन, ज़्यादा नहीं मंगाएंगे, एक नॉर्मल ब्रेड तो ले ही सकते हैं। अबे यार $1100 हो गए। एल्कोहल चाहिए तो फ्रीज में ही आ जाएगी, हम लोग एल्कोहल रखेंगे। भाई दारू बेचो, दारू सबसे पैसे वाला धंधा, दारू दारू दारू, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये सब सही है अभी के लिए। एक नॉर्मल बियर ले लेते हैं, सिगरेट भैया सिगरेट भी नहीं रखे हैं अपन, क्या रख रहे हैं अपन। चलो इतना अभी के लिए काफ़ी है, अभी नहीं नहीं बस इतना काफ़ी है, $1500 इज़ इनफ, क्योंकि हम लोग को भी अपग्रेड भी करनी है चीज़ें, इसको भी स्लो पर ही ऑर्डर कर देते हैं। व्हीकल इज़ ऑलरेडी डिलीवरिंग, वॉट इज़ दिस मैन, सारे रूम अपने खाली हो चुके हैं ऑलमोस्ट, अब सामान आते ही बनाएंगे। लेकिन एक डिलीवरी तो आ गई ना, डिलीवरी एट बियर हाउस जो सबसे पहले की थी, इसको हम लोग उतार लेते हैं। ठीक है फिर डिलीवरी, डिलीवरी ऑर्डर, हाँ दुकान का सामान मंगा भाई, व्हीकल इज़ ऑलरेडी डिलीवरिंग, रुक जाओ जाने दो उसको थोड़ा सो लो तक, हाँ चलेगी शायद, हो चुका है ऑर्डर अपना। अच्छा तीनों व्हीकल से हम लोग एक एक बार डिलीवरी ले सकते हैं, समझ गए ट्रैक ये वो। ओ आई सी, इसका पैसा लूटना था ऐड का, ये रहे ऐड अपने $800 भाई। अच्छा ये अच्छा नहीं लूटो तब भी अपना दिन बढ़ाते रहता है, मतलब ये नहीं है कि तुम्हें लूटना चाहिए। ओ भाई बहुत हार्ड, ये तो पूरा गजब हो गया। अच्छा हम लोग कार बाई भी कर सकते हैं, 3000 में अपन ट्रक ले सकते हैं, पर भाई अभी ज़रूरत नहीं है। और ये साला 7:45 की डिलीवरी थी, अभी तक आई क्यों नहीं? ओवर स्लीप हो गया भाई, ये तो गलत है भाई, ओवर स्लीप कर दी। अच्छा हमें लगा जब तक, अच्छा आ चुकी है भाई, वो खड़ी है, इसको भगाएंगे तब वो देगी, समझिए समझिए समझिए, माई मिस्टेक। सिर्फ एक मशीन ही मंगाई थी, हाँ हाँ इससे सिर्फ एक मशीन ही मंगाई थी, ये तो यहीं लगेगी ही भाई, जाओ तुम जाओ। जब तक ये जा रहा है अपन मशीन सेट कर देते हैं, क्योंकि मशीन की नीड सबसे ज़्यादा है, और कपड़े धोने लगा देते हैं। ठीक है उसका तार लो, इसमें ही घुस जाएगा ना, बहुत तार, इसमें कितने कपड़े धुल पाएंगे? 5, क्या सीन है इसमें, तो दिखाई नहीं रहा है कपड़ा, अलग गंदे उठा था लो सब, और कहाँ है गंदे कपड़े, टॉवल दो के तो क्या ही होगा भाई, और बेडशीट कहाँ भी? अच्छा ये रूम में ऐसी ही पड़ी है, अबे तीन ही धो सकते हैं, लेकिन यही एक मिनट में करेगी, फिर भी भाई तीन से बार बार आना तो पड़ेगा ही भाई, ये तो गलत हो गया भाई, हमें लगा था धो पाएंगे 4-5।
तब फिर तो कुछ खास फायदा नहीं है। और एक और मशीन है उसमें 7-8 दो सकते हैं, वो मंगानी थी यार, हम लोग गलत मंगा लिए। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, पहले ये सबको ये रखो अंदर भाई। आ जा यार, आ जा। अबे यार, अच्छा ये तो सीधी वहाँ जाएगी ना दुकान में, इसको अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। मशीन के ऊपर टीवी लगा दी भाई, चलो अच्छा है, जगह बच रही। ये सब अब खाने का आइटम है ना? नहीं, ये खाने का नहीं है, कुछ कुछ खाने का नहीं है इसमें। एक दो तीन चार पाँच सामान है साला, अभी भी लेकिन $1700 है। ऐड लगवा के फायदे का काम किया है मेरे हिसाब से। अबे यार, हमने एसी का साथ कैबिनेट नहीं मंगवाया, भूल गए। अबे भाई चलो देखते हैं क्या होता है। अब पहले हम लोग अपनी शॉप ठीक करेंगे, रूम नंबर 6 सारे रूम ठीक करें। मेरे हिसाब से रूम ठीक करते हैं उसमें पैसा जल्दी मिलना शुरू होगा। सारे रूम बना देते हैं, पहले रूम नंबर 6 रेडी करते हैं जल्दी से जल्दी। इस इधर पेंट नहीं किया भाई, नहीं पेंट है देखने का ना, हाँ पेंट है भाई। हम लोग अपना पहले पेंट बाद में करेंगे, पहले कि यार शॉप पहले सजाते हैं भाई। पहले अपनी वो ट्रॉली कहाँ है यार भाई, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी अब। इधर तो नहीं है, पूरी शॉप खाली पड़ी है। लेके चलते हैं उधर, गजब कितनी लंबी लाइन बना सकते हैं देखते हैं। लेट्स रुक जा रुक जा, नहीं हो पाई भाई, अब छोड़ो। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, ये भी है पाँच, ठीक है ठीक है। लाइट कहाँ है? हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या करना है, पहले सब सामान अंदर ला दी मेरी में। वाइट कलर ले लो भाई पहले तो, ब्लू कलर का तो अब हमें लग नहीं रहा काम होगा। बाथरूम में हर बार यही टाइल्स लगा रहे हैं, इस बार फौरन चेंज कुछ नया करें। ये है ये है ये है, बहुत कुछ पड़ा है भाई हम लोग पे। ये दीवार के लिए ना, बाथरूम के लिए नहीं है, छोड़ो। ये देखें कैसा लग रहा है, सही है पर गंदा सा लग रहा है भाई, पता नहीं क्यों। छोड़ो, इसकी जगह अपन अपना काला ओजी यही यूज़ करेंगे। या दैट्स गुड, ठीक है। और यहाँ की सीलिंग पे ये यूज़ करना है? नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत डाउन है, ये तो ऊपर के लिए सीलिंग के लिए। हाँ ये वो जमीन के लिए इस बार क्या मंगाया है, ये भी ऊपर के लिए। क्या है भाई जमीन के लिए? ये दीवार के लिए, ये तो बेकार है भाई, ये ऊपर के लिए ये ही लगाने का सोचा था। ये है जमीन के लिए, लेट्स गो। देखें लेट्स गो, अपनी जमीन कंप्लीट हो चुकी है, इट्स लुक्स गुड, ठीक है। अब ऊपर क्या करना है, ये तो जमीन के लिए, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ ये भी हटाओ, कोई काम का नहीं है, हटाओ। सीलिंग पे ये ठीक लग रहा है भाई, सच बताएं तो पता नहीं यार, कलर पे मैटर करता है। अब हम सीलिंग यही करेंगे, ऑल डन। इधर भी ऊपर सीलिंग पे यही करें, हाँ भाई सही लुक तो है। सीलिंग दोनों जगह की एक ही अच्छी लगती है, ठीक है ऑल डन।
अब बारी है पेंट की। इस बार लाल तो नहीं करेंगे, तो पहले लाल को बाहर रखो। अब सफ़ेद के साथ दो कलर हम लाए हैं, अब देखते हैं किसका कॉम्बो अच्छा लगेगा। एक है पिंक, एक है पीलो। तो दो पीले की डिब्बी लो, दो पिंक की लो, सफ़ेद अंदर है ऑलरेडी। और अब ये सब बाहर लाने का। अच्छा, इसकी तो दीवार पे कुछ करना है ना, इसकी भी दीवार पे पेंटिंग करा जाएगा। पेंटिंग करेंगे, छोड़ो ये सब हटाओ, किसी चीज़ की नीड नहीं है। हटाओ 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 हटाओ। वो भाई तगड़ा है अभी। चलो ठीक है, डिसाइड हो गया। अब बहुत ज़्यादा चमक आएगी तो हमें पता नहीं, बट मेरे प्लान के अनुसार तो अच्छा लगना चाहिए। बस गुड भाई, सच में सही लग रहा भाई। तगड़ा तो नहीं जाएंगे बट ठीक है यार, तगड़ा ही है भाई। ठीक है, हाउ डज इट लुक भाई? मस्त है यार। पता नहीं आपको कैसा लग रहा, मुझे तो बहुत ठीक लग रहा है यार। बाकी आप इसको रेट करना, अभी पूरा सामान डल जाए उसके बाद। अभी तो थोड़ा सूना सूना है, पहले ये हटा दें। अब लगाएं सामान, अब तो कुछ बच नहीं रहा। सीलिंग इधर हो गई ना, हाँ हाँ सब है। अब अपन लगाएंगे सबसे पहले अपना डबल बेड। अच्छा, इधर ये हीटर के लिए जगह दी है, तो हम लोग को इसमें इधर ही बेड लगाना है। एकदम कॉर्नर में लगाएंगे, बीच में लगाएं, बीच में लगाते हैं। और इसके बगल से पहले हीटर लगा के देखो, हीटर। हाँ हाँ सही, तो हाँ सही है, सही है, सही। टीवी भी लगानी है इसमें, बहुत चीज़ें लगानी भाई। पहले अपन बेड शीट लगाएंगे, वाइट ऑब्वियसली बेस्ट टेस्ट कलर। ब्लैंकेट लगाएंगे अपन रेड, रूम में चमके थोड़ा। और पिल्लो रेडी है ऑब्वियस है, एक और पिल्लो लेट्स गो। पिल्लो हो गया, डोर ठीक, एक और डोर लगाएंगे अपन। ठीक सही है। अब क्या है, सीलिंग लैंप ऑलरेडी डन, बाथटब। अबे यार ये भी मस्त लग रहा भाई। सिंक, ये सबसे महंगी सिंक, ये भी सही है। इसके इस पर डिजाइन है, ये गंदी नहीं, पहले हमें गंदी लग रही थी। टॉवल, टॉवल तो ये लो टॉवल भाई, सिंक टॉवल। टॉयलेट, ये रही टॉयलेट अपनी, टॉयलेट पेपर। हम लोग 60 हो चुके हैं इसमें, मोर देन 5 रखते हैं, 5 रख दे रहे कि बार बार आना ना पड़े। बाकी सब नीचे रख दे रहे। टॉयलेट पेपर भी हम लोग के कलर को मैच कर रहे हैं भाई, एकदम परफेक्ट। और टॉयलेट पेपर लगा दो, 5 तो लगा ही देंगे रे, बिल्कुल मिनिमम। अब ये 5 कस्टमर को हम लोग चला पाएंगे। इसको एकदम बीच में रखो, ठीक है, ये यूज है ना। हीटर हो गया, टॉयलेट पेपर हो गया, कर्टेन, कर्टेन। अब बताओ यहाँ डालें कि बाथरूम में डालें, क्योंकि ये कर्टेन दोनों लगती हैं। वैसे यहाँ डालेंगे तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। हाँ भाई, बाथरूम में कौन ही काम होगा, गेट है ना। सीट इधर, जगह हम लोग ने ज़्यादा छोड़ी है तो इसको अपन इधर रखेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अजीब लग रहा भाई ये सोफ़ा, फालतू लिया, मतलब ये इतना ख़ास नहीं है, इतना सोचा था। ये ऐसे ही ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। इसको सीधा देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, सीधा बोले तो इधर साइड ऐसे। हाँ भाई सीधा सही है ना। अब क्या है, टॉयलेट पेपर हो गया, सीट हो गया, रूम लैंप हो गई, टेबल, टीवी, टेबल ऑब्वियसली इधर जाएगी अपनी। अबे यार ठीक है, बैठ के एकदम नहीं नहीं हाँ अब सही है। और कौन सी टेबल है, ड्रेसिंग टेबल, ये जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। रूम लैंप नहीं, डेस्क हो गई, टेबल हो, क्लोजेट हो गया, नहीं है ड्रॉवर, नहीं है। एसी, एसी इधर अच्छा सही है, रूम में घुसते ही एसी, ठीक है। एसी हो गई, टीवी फाइनल। ठीक है, होल्डर, कारपेट, पहले कारपेट देखें, कारपेट यहाँ डाल दो क्या,
उधर ठीक है, काफी बड़ा है होल्डर। हाँ ये टॉयलेट पेपर होल्डर भी तो लाएंगे का। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, बुक नहीं है। टॉयलेट्री में ये है, अपन ने वो भी तो मंगाया था शैम्पू, सर रह गया। दो रख दें क्या, दो बेसिन टाइप हैं तो दो। हाँ ठीक है, एसेसरीज में अपनी घड़ी, घड़ी जाएगी इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा बड़ी है भाई घड़ी। लेफ्ट करना टीवी के, नहीं तो इधर कर दो, ये जमाल खाली है। ठीक है, और शीशा, शीशा जाएगा अंदर बाथरूम में बेसिन के, बेसिन के ऊपर। ठीक है भाई, शीशा में हम लोग दिखाई नहीं देते, भूत है क्या, इसमें कुछ अलग ही दुनिया दिख रही है अभी। गजब है भाई, तगड़ा लग रहा है रूम। ठीक है सब हो गया। तो ये हम लोग का फाइनल रूम नंबर 6। इसको सोचा तो था एवरेज बनाएंगे, पर फिर भी बहुत तगड़ा है एवरेज के हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा अभी। तो ये देख सकते हैं हमारा रूम नंबर 6। आप बताइए आपको कैसा लगा, मुझे तो अच्छा ही लगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपका ओपिनियन अपना कमेंट में ज़रूर दीजिए। और आज के पार्ट में बस इतना ही, हम लोग अगले पार्ट में अपनी शॉप भरेंगे और चीज़ें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही गेम प्ले वीडियोज़ देखने के लिए।